नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि बुध अपने दशा में क्या फल देता है। इसको मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। पहले आपको थोड़ा नाड़ी ज्योतिष के कुछ रूल्स के बारे में बताता हूँ कि हम उसको भी लेंगे कि ग्रह जो फल देता है वह अपने नक्षत्र उपनक्षत्र के फल भी देता है। उपनक्षत्र के फल ज्यादा, नक्षत्र के थोड़े से कम और अपने ग्रह के फल सबसे कम। मतलब कि उपग्रह ग्रह नक्षत्र से बनी और नक्षत्र ग्रह से बनी। अब इसमें मैं दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा। पहला उदाहरण, सबसे पहले दो उदाहरण ये। पहला उदाहरण 15 जून 2011 21:06:50 ये दिल्ली का है और ये देखिए लग्न की डिग्री है 27:29 और बुध की डिग्री 21 है। और दूसरा एग्जाम्पल जो है ये आपके सामने, उसमें भी 27:29 और बुध की डिग्री 21 डिग्री और वह 26 जुलाई 2013 18:26:36 का समय। अब पहले वाले जो उदाहरण है उसमें देखते हैं बुध की क्या स्थिति है और बुध किन ग्रहों के फल देता है। बुध 6 साधनों के फल देता है। वह छठे में बैठा है और 7वें और 9वें का स्वामी और गुरु के नक्षत्र में है वह और गुरु के नक्षत्र में है। गुरु पहले, चौथे, तीसरे एवं 12वें के फल देता है। गुरु की जो धनु राशि है वो 12वें और पहले के, मिथुन मीन राशि तीसरे भाव में और गुरु जो है वह चौथे भाव में, 1, 3, 4, 12। इसका अर्थ हुआ है 9, 12, 3। इसका मतलब हुआ कि लंबी दूरी की यात्रा ये बता रहा है। और 1, 6, 12 हुआ तो इसका मतलब सेहत कुछ गड़बड़, 4, 12 है तो प्रॉपर्टी में कुछ समस्या। और अगर हम एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की, तो पढ़ाई शिक्षा में अनिच्छा। अब दूसरे वाले उदाहरण में देखते हैं कि बुध जो है वह 1, 3, 6, 12 के, बुध जो है 6 साथ होंगे वही और गुरु जो है 1, 3, 6, 12 के फल बता रहा है। क्योंकि गुरु वही 12, 1 और 3 का स्वामी है लेकिन बैठा छठे भाव में। छठे में क्यों चला गया? यहाँ पर इस वर्ष में 2013 में गुरु मिथुन में है और 2012 में गुरु का उस समय पर वह मेष राशि। अब इसमें देखते हैं तो हेल्थ बहुत ज्यादा खराब, लंबी दूरी की यात्रा है लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। इसमें देखते हैं तो हालात उतने खराब नहीं है। यहाँ प्रॉपर्टी में कुछ समस्या है, यहाँ प्रॉपर्टी या संपत्ति की बात ही कोई नहीं और एजुकेशन की बात तो छोड़िए, यहाँ पर तो जान के लाले पड़ गए। तो एक ही अंश पर बुध है, लग्न की डिग्री भी एक है लेकिन रिजल्ट्स में देखिए कितना फर्क आ गया। अब इसके साथ साथ आगे चलते हैं कि गुरु, एक तो ये हमने देख लिया गुरु के फल बदल रहे हैं इसलिए बुध के फल बदल रहे हैं। इसके साथ साथ बुध के और फलों में क्या फर्क आएगा तो ये देखिए कि 2013 में बुध जो है वो मंगल और गुरु के साथ युति में है और राहु उसको देख रहा है। तो बुध के अंदर इनके गुरु के, मंगल के और राहु के कारकत्व भी आ जाएंगे। और 2012 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बुध जो है सूर्य के साथ है तो और शनि से दृष्ट है तो वह सूर्य और शनि के दृष्ट है, देखिए कितना फर्क। इसके साथ साथ तीसरी बात और ये देखते हैं कि लग्न की डिग्री यहाँ 27:29 और इसको 10 मिनट हम पीछे करते हैं तो देखते हैं क्या ये बुध के भाव में कुछ फर्क आता है। यानी 10 मिनट हमने पीछे किया कोई फर्क नहीं, 10 मिनट और पीछे किया तो देखिए कि गुरु के फल में बदलाव हो गया कि गुरु अब पहले तीसरे का स्वामी हुआ और 5वें भाव में चला गया तो 1, 3, 5 के फल देगा। 10 मिनट और पीछे करते हैं तो अब देखिए बुध में फर्क आ गया, वह 7वें में बैठा 9वें का स्वामी और 7वें में बैठा 7वें को फल देगा। और 10 मिनट पीछे करते हैं कोई फर्क नहीं, और 10 मिनट पीछे करते हैं तो गुरु में बहुत फर्क आ गया। गुरु पहले का स्वामी है और इसकी 12वीं राशि लोप हो गई और 5वें भाव में बैठा है, पहले और 5वें के फल दे रहा है और बुध जो है उसकी जो कन्या राशि है वो लोप होगी, उम्र जो होगी 5 और 7 के बीच में और बुध 7वें के फल दे रहा है। तो लग्न की डिग्री घटने या बढ़ने के साथ भी बुध के रिजल्ट में फर्क है। और अगर मैं बुध का भाव ही बदल दूंगा फिर तो जाहिर बात है तो बहुत ज्यादा फर्क आएगा। देखिए इसको भाव बदलते हैं, 1 घंटा पीछे करते हैं
तो अभी तो फर्क नहीं आया, लेकिन एक घंटा और पीछे करते हैं आपके लिए ये बुद्ध जो है वह आठवें भाव में चला गया, देखिए बिल्कुल फर्क है, क्योंकि गुरु के भाव में भी फर्क आ गया और बुद्ध के तो आ ही गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम ये याद कर लेते हैं कि बुद्ध के ये रिजल्ट होते हैं किसी पुस्तक में से, या कोई हमें बताया कि मैंने उससे देता हूँ, या बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि बुद्ध के दशा में रिजल्ट है, कुछ चीजें देते याद करने के लिए, उसका कोई अर्थ नहीं। आपने सिर्फ ये देखना है कि बुद्ध कौन से नक्षत्र नक्षत्र में और उसके साथ कौन कौन से भाव जुड़े हैं, वह बुद्ध उन भावों के फल है। और जैसे जैसे मैंने 10-15 मिनट आगे पीछे करके आपको जन्मदिन दिखाई कि लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी ग्रह के जो फल है उनमें फर्क है, उसका रीजन भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि चरित्र में फर्क आ गया, चरित्र से भाव के स्वामित्व वगैरह में फर्क आया था, इस वजह से ग्रह के रिजल्ट में फर्क आया। तो ये वो बात हुई। दूसरा उसके साथ युति दृष्टियाँ जो हैं बुद्ध के साथ, उसके भी फर्क आ सकता है, अलग अलग वर्षों में या किसी दूसरे ग्रहों के साथ युति दृष्टि कर सकता है। और उसके साथ ही साथ डिग्री हो गया, और अलग अलग वर्षों के अंदर जो नक्षत्र उपनक्षत्र होंगे उनके स्वामी भी अलग अलग ग्रहों में जो है उससे रिजल्ट भी फर्क है। तो अगर आप इस प्रकार से रिजल्ट देंगे नाड़ी ज्योतिष के से, तो आप देखेंगे कि आप सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। धन्यवाद।